हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपका स्वागत है डीपीएस की ऑनलाइन क्लास पर। जैसा आप सबको मालूम है, मैंने आपको पिछली दो क्लासों में ईवीएस सब्जेक्ट आपको पढ़ाया। प्रीवियस क्लास में हमने स्पेलिंग्स भी लिखी। मैं आशा करता हूँ आपने स्पेलिंग लर्न की होगी और काम भी आपने किया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर वही कंटिन्यू करवाने के लिए आया हूँ। और हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखो, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, शरीर के आंतरिक अंग। उसके बाद में सबसे पहले देखो, आपकी बुक में इंट्रोडक्शन के रूप में दो लाइंस लिखी हुई है और उस टू रोज में क्या बताया गया है, इंटरनल ऑर्गन्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डेलिकेट। इसका मीन्स ये होता है, मैंने स्पेलिंग लिखवाई, इसमें कॉम्प्लिकेट का मीन्स मैंने बताया जटिल यानी मुश्किल या उलझा हुआ, एंड डेलिकेट का मीन्स लिखवाया नाजुक या कोमल। तो जो रो लिखी हुई है कि इंटरनल ऑर्गन्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डेलिकेट, यानी शरीर के, या ऐसे कह सकते हैं, आंतरिक अंग बहुत उलझे हुए, बहुत जटिल या जटिल और नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं। फिर लिखा हुआ है एक्सटर्नल ऑर्गन्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू इंटरनल ऑर्गन्स, यानी बाहरी अंग शरीर के आंतरिक अंगों के अनुसार कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, शरीर के बाहरी अंग आंतरिक अंगों के अनुसार कार्य करते हैं। फिर चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें मैं शुरू करता हूँ, लिखी अवर बॉडी इज ए वंडरफुल मशीन, हमारा शरीर एक आश्चर्यजनक अचंभित मशीन है। हमारा शरीर एक तरह से मशीन ही है, आपको पता है, अगर कुछ भी थोड़ा बहुत कोई खराब वगैरह खा लेते हैं, ये शरीर अपना ढंग से काम करना बंद कर देता है, सर्दी जुकाम लग जाती है, कोई बीमारी हो जाती है। तो ये जी एक मशीन है, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है इस मशीन का। ऐसे नहीं कि जो आया वो खा लिया, नहीं तो मशीन खराब हो जाएगी। इसीलिए जो शरीर हमसे चाहता है कि क्या उसके अंदर खाया जा सकता है, वही सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार एक मशीन है, अगर अच्छे तरीके से भोजन नहीं करते हैं तो हमारी मशीन खराब हो सकती है, यानी कि बीमारी हो सकती है। बीमारी का मीन्स ये शरीर, ये मशीन खराब हो गई। तो हमारा शरीर एक आश्चर्यजनक मशीन है। इट इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, इट इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, यानी यह कई भागों का बना होता है। और दीज पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स, यह भाग क्या कहलाते हैं, अंग कहलाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में दो प्रकार के अंग होते हैं, फर्स्ट एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड देन इंटरनल ऑर्गन्स, यानी बाह्य अंग और आंतरिक अंग। हेड, आईज होता है, नोज होता है, लेग्स होता है, ये सारे होते हैं, आर्म्स हो गया, ठीक है ना, ये होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स, यानी हम उसको बाहर से ही देख सकते हैं, हाथ को देख सकते हैं, नोज को देख सकते हैं, आई को देख सकते हैं बाहर से। तो जिनको बाहर से देख सकते हैं वो हो गए बाहरी अंग। एंड देन इंटरनल ऑर्गन्स, वे अंग जिसको हम बाहर से नहीं देख सकते हैं वो आंतरिक अंग कहलाते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, किडनी हो गया। तो ये होते हैं आंतरिक अंग। एंड देन नेक्स्ट रो है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एक्सटर्नल ऑर्गन्स इन प्रीवियस क्लास, हम पिछली कक्षा में पहले से ही बाहरी अंगों के बारे में पढ़ चुके हैं। हम पहले पिछले वाली क्लास में, यानी हमने, आपने थर्ड क्लास में पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया कि कौन से बाहरी अंग होते हैं। एंड देन नाउ वी वुड स्टडी अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन, यानी अब हम हमारे आंतरिक अंग और उनके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन, आंतरिक अंग और उसके कार्य क्या होते हैं। अब सबसे पहले
इंटरनल ऑर्गन्स ब्रेन यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्या होता है, मस्तिष्क क्या होता है। तो ये जो होता है वह ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ब्रेन यानी मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन होता है। कभी एक्सीडेंट होता है तब हाथ पूरा टूट जाए, पैर पूरा टूट जाए, फिर भी आदमी की डेथ नहीं होती है, लेकिन सारा शरीर सलामत, लेकिन हेड इंजरी हो जाती है, या तो वो पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। सारा शरीर का वर्क कंट्रोल होता है एक इस मस्तिष्क के यानी कि ब्रेन पर। तो उसके अलावा इट इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल, इट इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल यानी यह खोपड़ी के अंदर की तरफ स्थित होता है, अंदर की ओर स्थित होता है। जो खोपड़ी होती है उसके अंदर स्थित होता है ब्रेन। तो ब्रेन खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ बॉडी, यह शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। यह शरीर के सभी कार्यों पर नियंत्रण करता है, जैसे कि ब्रीदिंग सांस लेना, श्वास लेना हो गया, उसके अलावा डाइजेस्टिंग फूड भोजन को पचाने का हो गया, एंड पंपिंग ऑफ द हार्ट और हृदय के द्वारा रक्त को बाहर निकालना, अंदर ले जाना यानी पंप करना। पंप का मींस बाहर निकालना और अंदर लेना। तो यह इस पर नियंत्रण करता है यह ब्रेन। उसके अलावा द ब्रेन कनेक्ट्स इटसेल्फ टू एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी थ्रू नर्व्स यानी नर्व्स। नर्व्स होता है तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं यानी कि हमारे शरीर में लाखों नर्व्स होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, जिसके द्वारा कोई मैसेज पहुंचता है। जैसे अगर हमारे शरीर के अगर पैर में कांटा चुभ जाता है तो सडनली पैर ऊपर उठ जाता है। इसका रीजन क्या हो, यही होता है रीजन कि वो जो पैर की नर्व्स थी उस पर क्या हुआ, उसको नुकसान हुआ, इस कारण से वो मैसेज गया ब्रेन के पास में और ब्रेन ने उसको वापस कहा कि अपना पैर उठा ले वहां से, तेरे कांटा चुभ रहा है। ये एक सेकेंड में काम होता है नर्व्स का। तो यानी कि हम कह सकते हैं द ब्रेन कनेक्ट्स इटसेल्फ टू एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी थ्रू नर्व्स। तो मस्तिष्क तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे शरीर के सभी भागों से जुड़ा हुआ होता है। मस्तिष्क हमारे शरीर के सभी भागों से नर्व्स के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। एंड देन द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल यानी कि जो मस्तिष्क है वो मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित होता है। खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित है, सुरक्षित का मीन्स ये बाहर बहुत हार्ड खोपड़ी है, अंदर बहुत डेलिकेट, बहुत ही कोमल ब्रेन है, इसीलिए बाहर एक स्कल से क्या रहता है, सेफ रहता है, प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित रहता है, कोई बाहरी चोट नहीं पहुंच सके उनको। एंड देन द ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक यानी कि ब्रेन सोचने में सहायता करता, इमेजिन कल्पना करने में सहायता करता, रिमेम्बर याद करने में सहायता करता, एंड अंडरस्टैंड और समझने में सहायता करता है। ये फंक्शन होते हैं ब्रेन के। ब्रेन हैज टू पार्ट्स, ब्रेन के दो भाग होते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल, एक होता है लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, और अलग अलग वर्क होता है अलग अलग जगह का। तो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता राइटिंग, लिखने का नियंत्रण, थिंकिंग सोचने का नियंत्रण, एंड रीजनिंग और अपनी तार्किक योग्यता क्या है, आप में सोचने की क्षमता कितनी है, यह हमारे ब्रेन का लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है। द राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज यानी कि दायां भाग क्या करता है, दायां भाग करता है इन्वॉल्व इन म्यूजिक आर्ट यूज ऑफ सिंबल्स। म्यूजिक यानी अगर हम संगीत गाते हैं, आर्ट हम कोई कला का काम करते हैं, या फिर हम किसी सिंबल्स का यूज करते हैं, किसी प्रतीक चिन्हों का यूज करते हैं, उसके बारे में ये राइट पार्ट होता है वह क्या करता है, कंट्रोल करता है, किस तरह से अलग अलग साइज का
अलग अलग फंक्शन होता है एंड इस प्रकार से ब्रेन हमारा कंप्लीट होता है। और ब्रेन कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको होमवर्क के कुछ दो क्वेश्चन करवाता हूँ और वो क्वेश्चन करवाऊंगा ब्रेन से रिलेटेड ही। पहले मैंने एक क्लास में क्वेश्चन करवाए थे, वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, वो था व्हाट आर ऑर्गन्स, अंग क्या होते हैं। और एक क्वेश्चन करवाया था, वो क्वेश्चन था आपका कि इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं। उसके बाद मैंने अगली क्लास में स्पेलिंग्स लिखवाई थी एंड देन इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ दो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ब्रेन से रिलेटेड आपकी बुक में नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन आंसर आपको करवा रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पर उस क्वेश्चन को आपको करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में मैं कह सकता हूं कि व्हाट इज ब्रेन, मस्तिष्क क्या है, इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। इट इज LOCATED लोकेटेड इनसाइड द स्कल या खोपड़ी के अंदर की ओर स्थित होता है और इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ बॉडी। ठीक, CONTROL controls the all the functions of body। एक क्वेश्चन मैंने ये करवा दिया कि मस्तिष्क क्या होता है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको करना है और वो क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, इसका आंसर लिखना है। तो मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, इसके आंसर में आपको क्या करना है, वो आप सीधा लिख सकते हैं ना, ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक, इमेजिन, रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। The brain, HELPS, helps us, हमारी सहायता करता है, ब्रेन हमारी सहायता करता है, किसकी सहायता, टू थिंक, सोचने की सहायता, इमेजिन, IMAGINE, कल्पना करने की सहायता, REMEM, BER, रिमेंबर में सहायता, याद करने में, एंड अंडरस्टैंड, समझने में, अंडरस्टैंड का मीन्स समझना। तो यह सहायता करता है ब्रेन हमारी, ये फंक्शन के रूप में यही है। तो इस प्रकार मैंने आपको जो भी इंट्रोडक्शन करवाया है, मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने आनंद लिया होगा इस पढ़ाई का। तो आपको SW के रूप में यही करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है व्हाट इज ब्रेन, उसका आंसर करना है, एंड देन क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन, ये करना है। इस प्रकार मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल संडे है, आराम से अपना काम पूरा कंप्लीट कर ले। इस प्रकार मैं आपसे विदा लेता हूँ, एक बार फिर आऊँगा नेक्स्ट मंडे को आपकी क्लास लेकर के। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और घर में ही रहें, ईश्वर से कामना करता हूँ आप सब सुरक्षित रहें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।